आम तोड़ने के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों में 8 लोग घायल हो गए। दो पक्षों के द्वारा की गई तहरीर के आधार पर गगहा पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि गगहा थाना क्षेत्र में बदमा गांव निवासी अखिलेश व जय नारायण के बीच आम तोड़ने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्ष से 8 लोग घायल हो गए। मारपीट के दौरान अखिलेश पांडे की पुत्री नीलम पांडे के चेहरे पर दूसरे पक्ष के व्यक्ति ने वार कर दिया, जिसमें नीलम, अखिलेश, प्रवीण व नवीन घायल हो गए। दूसरे पक्ष से जय नारायण, अवध नारायण, विपिन व अनूप को भी चोट आई है। अखिलेश पांडे की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, सर कल बधवा गांव में गंगा थाना क्षेत्र के दो पक्ष आम तोड़ने के लिए विवाद, क्या मामला है? कल ये एक प्रकरण हुआ है, घटना घटित हुई है जो कि गगहा के बधवा गांव में हुआ है, जिसमें दो पक्षों में जो मारपीट हुई है, इसमें एक महिला जो है उसको काफ़ी चोट, उसके गाल पे शार्प इंजरीज थी, उससे अपराध पंजीकृत किया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है।